सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद, और ये वो देश है जिसके अंदर ना कोई नदी है और 30% से ज्यादा ये देश रेगिस्तान है। तो यहाँ पे लोगों को पीने का और नहाने का पानी भी कैसे मिलता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना। अब सऊदी अरेबिया अरेबियन पेनिनसुला का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसलिए इसके दो तरफ पानी पानी मगर सी वाटर है जो कि खारा पानी है, जिसे बंदा पीना तो दूर, उसे नहा भी नहीं सकता। तो कुछ पानी तो उनको जमीन के नीचे से मिल जाता है मगर मेजोरिटी पानी आता है उसी सी से, जिसको एक प्रोसेस के थ्रू जिसे डीसैलिनेशन बोला जाता है उसके अंदर से सॉल्ट और मिनरल्स हटाए जाते हैं। और ये बेहद ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है मगर क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है तो दिक्कत नहीं है। और एक दिन में 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी इसमें प्रोसेस किया जाता है। और इनकी सलाइन वाटर कन्वर्जन कॉर्पोरेशन 30 प्लांट्स के जरिए इस वाटर को प्रोसेस करती है और 14 ट्रांसमिशन सिस्टम्स के जरिए इसको पूरे सऊदी अरेबिया में 4000 किलोमीटर की पाइपलाइंस के थ्रू पहुंचाया जाता है।